बैक टू अनदर वीडियो। और आज एक और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मैं। आई नो मैं अभी काफी दिनों से अनबॉक्सिंग करने को ट्राई करते रहता हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है। अनबॉक्सिंग उतना ईजी है नहीं, तो किसी तरह ट्राई कर लेता हूँ अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाने का। अभी ये जो प्रोडक्ट है, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये बेसिकली मैंने कौन से ऑर्डर किया है, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से। सो ये जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है उसमें 2 एंटियन बेयरिंग्स है, उसके साथ वाटरप्रूफ ग्रीस और नायलॉन कैप। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ऑटो मोटरसाइकिल के बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, रिव्यूज भी आपने देखे होंगे, और हर जगह मैंने उसका रिव्यूज चेक किया, रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं। सो बेसिकली नायलॉन कैप जो उन्होंने डिजाइन किया है, जो वाटर कलेक्ट होता है कॉन्सर्ट के पास और जिसकी वजह से कॉन्सर्ट के खराब होने के चांसेस बहुत सारे ज्यादा हो जाते हैं, उस वजह से ये नायलॉन कैप उन्होंने डिजाइन किया है। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि मेरे बाइक में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कॉन्सर्ट ऑलमोस्ट जा चुका है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, और इसलिए मैंने सोचा कि ये ऑटो मोटरसाइकिल्स के बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, तो मुझे लगा मुझे भी ट्राई कर लेना चाहिए, बिकॉज इतने सारे राइडर्स ने इसे यूज़ किया है और पॉजिटिव फीडबैक है। और चलो मैं आप लोगों को भी वो प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो ऐसा कुछ पैकेजिंग आया था ऑटो मोटरसाइकिल की तरफ से, दिखने में थोड़ा फनी है लेकिन पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब प्रॉपर पैकेजिंग करके भेजा उन्होंने। और इसका जो प्राइस मुझे पड़ा था दैट वाज 2100, आई थिंक शिपिंग चार्ज वाज अराउंड 77 रुपीज मे बी, सो समवेयर अराउंड 2200। तो चलो अभी इस पैकेज को ओपन करते हैं। कुछ ज़्यादा ही तगड़ा पैकेज है, इतना इजीली ओपन नहीं हो रहा है। ये पैकेजिंग खोलने में मेरी हालत ख़राब हो चुकी है लेकिन चलो सक्सेसफुल हो गया। सो इनका पैकेजिंग कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें एक्चुअली यहाँ पे 2 बेयरिंग्स हैं और ये वाटरप्रूफ ग्रीस और ये रहा नायलॉन कैप। तो अभी मैं इसको लेके रॉयल एनफील्ड के शोरूम जा रहा हूँ और जो भी इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को। तो कुछ दिनों से एक्चुअली बहुत बारिश हो रही थी और उसी वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा था, और कब से मैं ट्राई कर रहा था कि एक बार रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाने मिले। तो लकीली बारिश आज कुछ देर के लिए रुक चुकी है, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना ये कॉन्सर्ट वाला काम कर ही लेता हूँ, क्योंकि आगे मुझे बहुत सारी मानसून राइड भी करनी है और आपको पता ही है हिमालयन का कुछ ना कुछ तो पंगा होता ही रहता है। और तो अभी जब मैं घर से निकल रहा था तो इसका हॉर्न काम करना बंद कर चुका है। बेसिकली उसका जो वायर एक रहता है वो वायर एक्चुअली निकल चुका है, उसको बस फिक्स करना है, कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है। और जब हॉर्न ना हो तो थोड़ा दिक्कत होता है बाइक चलाने में। तो यही है अभी तक का डिटेल्स। तो मुझे अभी करीब करीब हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा कानकुन के शोरूम में पहुँचने तक, तो आप लोगों से सीधा मैं वहीं मिलता हूँ। ये वो कॉन्सेप्ट का इशू है क्या? क्या है कॉन्सेप्ट? देखो पूरा रस्ट हो गया। ये भी ना ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑटो मोटरसाइकिल्स।
ओके, तो अपना अभी कॉन्सर्ट का इशू पूरा फिक्स हो चुका है, तो हैंडल अभी बहुत फ्री लग रहा है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का, ये जो कॉन्सर्ट डालने के बाद। तो मैंने ट्राई किया जितना इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकूं वीडियो के थ्रू। इंस्टॉलेशन का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी मैकेनिक से करवा सकते हैं जिसे अच्छा नॉलेज है हिमालयन बाइक का। मैं कोई बाइक का एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही किसी पार्ट्स के इंस्टॉलेशन करने में एक्सपर्ट हूँ। बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो बाइक पे जो भी मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ या कोई भी मैं पार्ट रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं बस उसी की वीडियोस बनाता हूँ और उसी पे अपना छोटा सा फीडबैक देता हूँ आप लोगों को, ताकि जो भी अभी हिमालयन ले रहे हैं उनको हेल्पफुल हो सके। तो बाकी सब बढ़िया है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।